साय रामचंद्रन। जैसा कि अभी हम कुछ नए आसन सीख रहे हैं और उसके साथ में हम इंडोर गेम भी सीख रहे हैं और खेल रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम कुछ नए आसन सीखेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे और लास्ट में हम एक नया गेम खेलेंगे। तो सर्वप्रथम हम अपनी कक्षा की शुरुआत ओमकार से करेंगे। क्लोज योर आइज, जॉइन योर हैंड्स, टेक डीप ब्रेथ। तो सर्वप्रथम स्ट्रेचिंग के लिए तैयार हो जाए। अपने दोनों पैरों को इस तरीके से खोलने, अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाए और सबसे पहले पीछे की ओर स्ट्रेट लेफ्ट, स्ट्रेट राइट, स्ट्रेट डाउन, अप लेफ्ट, स्ट्रेट राइट, स्ट्रेट बैक, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। अब हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को सामने की ओर रखेंगे, पैरों को फैलाएंगे और सामने की ओर देखेंगे आंखें बंद। धीरे से अपने चिन को जमीन पर लगाने की कोशिश करिए। अप डाउन, अप डाउन, अप। धीरे धीरे पैरों को पास में लाना है और उठकर अब क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को खोलेंगे, हाथों को पीछे से बांधेंगे और आगे की ओर झुकेंगे इस तरीके से। इससे हमारे जो बैक साइड है उसमें खिंचाव होता है और पूरे अपर पार्ट की स्ट्रेचिंग होती है इस तरीके से। वापस अप वापिस, धीरे से वापिस। अब क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर निकल जाइए, आगे की ओर झुकिए। फिर पीछे की ओर जाइए, आगे की ओर झुकिए। रिलैक्स, टेक डीप ब्रेथ। अब हम आज जिन नए आसनों का अभ्यास करेंगे उसमें आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि ये बैकवर्ड बेंडिंग का आसन है
उसका हम पूर्ण आज नहीं करेंगे, उसका अर्ध भाग करेंगे। मतलब जब हम पीछे झुकेंगे तो हम पैरों को पकड़ते हैं इस आसनों में, लेकिन ये थोड़ा टफ आसन है, इसलिए हम आज पैरों को पकड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। सिर्फ आराम से बैलेंस बनाते हुए जितना पीछे जा सकते हैं जाएंगे। इस आसन का नाम है पृष्ठासन। पृष्ठासन के लिए क्या करना है आपको, एक बार देख लीजिए। जैसे हम चक्रासन करते हैं उसी प्रकार से हमको पीछे की ओर जाना है और धीरे धीरे हाथों को खिसकाते हुए नीचे जाना है। इस तरह वापस एक बार पुनः आगे झुक जाए ताकि आपकी कमर नॉर्मल हो जाए, उसके बाद फिर पुनः आप पीछे झुकेंगे। सांस बढ़ते हुए वापस। इससे हमारी जो बैक की मसल्स होती है, जो बैक की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ती है, और उदर संस्थान व स्नायुओं और मांसपेशियों को ये मजबूत बनाता है। अब हम आज का जो दूसरा आसन करेंगे उसका नाम है हनुमान आसन। हनुमान आसन यानी इसमें आपको दोनों पैरों को मैक्सिमम खोलना है, एक पैर आगे की तरफ और एक पैर पीछे की तरफ। तो कैसे खोलना है, पहले धीरे धीरे आप उसका प्रयास करेंगे। राइट लेग को आगे कर लीजिए और धीरे धीरे आगे की ओर खिसकाएं। हाथ को जमीन पर रख लें, इस तरीके से पैर को खिसकाते जाए इस तरीके से, और पीछे वाले पैर को भी सीधा करके रखें। कोशिश करें कि पीछे का पैर सीधा हो जाए, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी समस्या आएगी क्योंकि ये बहुत टफ आसन है, इसको आपको धीरे धीरे प्रयास करना है। इसी प्रकार दूसरी ओर से भी हम करेंगे। तो क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने पैर को इस तरीके से हम आगे ले जाएंगे, आइज क्लोज, रुकिए थोड़ी देर। अब धीरे से वापस इस आसन की प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, जितना आप पैरों को फैलाएंगे उतना ही आपके पैर खुलेंगे। तो आप इस वाले एक्सरसाइज को करिए, जितना हो सकता है पैरों को फैलाने की कोशिश करिए, साइड में सामने से, इस तरीके से आपको मैक्सिमम पैरों को फैलाने की कोशिश करनी है। जब आप सामने खोलते हैं तो आपको सामने भी इस तरीके से पैर को ज्यादा से ज्यादा रोज इतना फैला कर बैठे, फिर धीरे धीरे अपने पैर को आगे की तरफ खिसकाते जाइए और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते जाइए। अब धीरे से वापस आएंगे और अपनी जगह पर बैठ जाए। क्लोज योर आइज, योर हैंड्स, हाथों को मत जोड़िए, हाथों को दोनों घुटनों पर रख लीजिए और कुछ समय के लिए लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। धीरे से वापस। अब हम जो आज गेम खेलने वाले थे उस गेम का नाम है इन एंड आउट गेम। इस गेम के लिए भी आप एक छोटा सा सर्कल बना सकते हैं ताकि आप बच्चों को, जो भी फ्रेंड्स हैं आपके या जो घर में मेंबर्स हैं, उनको इजीली आप वॉच कर सके कि कौन आउट हो रहा है। तो एक छोटा सा आप सर्कल बना लीजिए या फिर हाफ सर्कल भी बना सकते हैं, है ना, जिससे आप सबको देख सकें। तो इसके लिए क्या करना है आपको, दोनों हाथों को इस तरीके से कमर पर रखना है और कोई भी एक बच्चा, जैसे कि आप इन एंड आउट में लीडर बने थे, ऐसा ही कोई भी बच्चा एक लीडर बन जाएगा और वो क्या बोलेगा, इन एंड आउट। तो इन में आपको क्या करना है, जंप करना है आगे, इन
आउट इन आउट इन आउट इन आउट। इस तरीके से आपको कंटिन्यू इस गेम को खेलना है। अब आउट कैसे होंगे गेम को देखिए ध्यान से, इन आउट इन इन। अगर इन बोला और आप ऑलरेडी पहले से इन में हैं और किसी लीडर ने आपको बोला इन और आप हिल गए या आप आगे जंप कर गए तो आप आउट हो जाएंगे। तो आपको इन में एज इट इज स्टेबल खड़े रहना है। और मान लीजिए आप आउट में हैं और दोबारा से अगर कोई लीडर बोलता है आउट तो आप पीछे हो जाते या आगे की तरफ हो जाते या पीछे चले जाते तो आप आउट हो जाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी आउट में खड़े हुए हैं। तो इस गेम को आपको बहुत आराम से आप इस गेम को घर में खेल सकते हैं। एक बार सब बच्चे एक साथ खेलेंगे, दोनों हाथ कमर पर रख लीजिए, रेडी इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट इन इन। जैसे ही इनमें आपने दोबारा इन बोला और जो बच्चा हिल गया वो आउट, और जो एंड में बच्चा लास्ट में जो बचेगा वो इस गेम का विनर होगा। आप चाहें तो आपस में ही उसे कोई भी छोटी सी गिफ्ट दे सकते हैं अपने घर में ही, छोटा बच्चा है तो उसको चॉकलेट दे सकते हैं या पेंसिल दे सकते हैं या रबड़ दे सकते हैं, और आपस में एक दूसरे को का उत्साहवर्धन कर सकते हैं। तो मुझे आशा है बच्चों कि आज के जो आसन और जो गेम मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा और आप उसको घर पर प्रैक्टिस करेंगे, गेम को एंजॉय करेंगे, खेलेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। साई राम, ओमकार और शांति पाठ, क्लोज योर आइज। शांति शांति शांति। रबर बैंड राइज स्लोली ओवर राइज। सैर चिल्ड्रन, थैंक यू।